इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत की एक फिक्र याद आती है कि उन्होंने गुज़िश्ता सदी में इश्क मुस्तफा के कैसे पौधे लगाए, इश्क मुस्तफा को कैसे आम किया। उस मर्द कलंदर का एहसान है हिंद बर्रे सगीर के मुसलमानों पर कि उनके दिलों की चिंगारी को उन्होंने शोले जव्वाल बना दिया। ये जो अभी आपने सुना ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए, तो किसी ने पहले सवाल किया था बहुत पहले कि पानी में सबसे बेहतर पानी कौन सा है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जब अहले सुन्नत के इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद की बारी आई तो आपने फरमाया पानी में सबसे अफजल पानी वो है जो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से निकला था। नसीब वालों ने पिया, नसीब वालों ने पिया, लेने वालों ने लिया। अब कौसर तो मिल सकता है, लेकिन जिनका मुकद्दर था मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी पीना, वो मुकद्दर वाले पी चुके। अफसोस अब वो पानी कहाँ नसीब। इसलिए पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से निकला है। इसीलिए खुद ही बयान करते हैं उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह हवा। और कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, जोश पर आती है जब गम खारी, जिसने सैराब हुआ करते हैं। सैयद अमीन आपका अदना।